तो दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ पर ओगना रोड पे, और ओगना रोड पे यहाँ पर हमने देखा रास्ते में कि यहाँ पे जो आदिवासी जो लोग हैं उनकी जिंदगी, मतलब यहाँ प्रकृति की गोद में बहुत सुंदर नजारा है। तो यहाँ के जो आम लोग हैं उनकी जिंदगी बड़ी मुसीबत में है, और इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो पानी है, यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था है इस तरीके से है। जो लोग हैं तो ये देख सकते हो आदिवासी बच्चे हैं, और इस तरीके से यहाँ पर पानी लेके जा रहे हैं पीने के लिए। और आप देख सकते हो यहाँ पर एक नदी बह रही है, और इस तरीके से ये नदी बहती है। अभी क्या यहाँ पर उदयपुर में बारिश नहीं हुई है, तो बारिश नहीं हुई है इस वजह से यहाँ पर पानी थोड़ी कमी अभी, और नहीं तो ये पूरा जो यहाँ पे फ्लो होता है पूरा इसके होके रोड पे होके पानी बहता है। इस समय यहाँ पर पानी कम है, और इस तरीके से देख सकते हो आप जो आदिवासी लोगों की ज़िंदगी है थोड़ी मुश्किल भरी है। और यहाँ पर जो लोग हैं, जैसे पहाड़ों पे उधर देख लो आप, जो पहाड़ों पे घर दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से रहते हैं, और इनके लिए सही तरीके से रास्ता भी नहीं है नीचे उतरने का, ये ऐसे ही सीधा उतरते हैं और इस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं। तो दोस्तों यहीं पर ओगना रोड पे ही बीच में यहाँ पर है मानसी वाकल नदी, और पहले भी हमने वीडियो में बताया था मानसी वाकल नदी के बारे में, और यहाँ पर आज उस नदी पे आए हम, और जिसका फ्लो यहाँ से होकर है, ये आप देख सकते हो ये मानसी वाकल नदी है। और अभी क्या जो उदयपुर में इस क्षेत्र में पानी बहुत कम है क्योंकि बारिश बहुत कम हुई है अब की बार, तो इस वजह से अभी पानी का ज़्यादा फ्लो नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ये जो नदी है ये मानसी वाकल है, ये मानसी वाकल नदी है, और ये इधर इधर से आ रही है।